दो भाइयों की कहानी है, बड़ा भाई छोटा भाई। ये दोनों खेलने मस्ती करने के लिए बीच चले जाते हैं शाम के समय और बढ़िया खेल रहे होते रेत में पानी में। बट पता नहीं कुछ छोटी सी बहस वगैरह होती है तो बड़ा भाई पावर यूज करके छोटे भाई को थप्पड़ मार देता है और छोटा भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बुरा फील करता है, रोने लगता है और वो जाकर के रेत में क्या लिखता है, आज इस तारीख को मेरे भाई ने मुझे मारा। और उसका बड़ा भाई भी देखता है ऐसा कर रहा है, बस खत्म बात। वो दोनों वापस घर चले जाते हैं। अगले दिन फिर से वो लोग आते हैं अच्छे पॉजिटिव मूड में, खेलने आते हैं, बढ़िया खेल रहे होते रेत में पत्थर में नदी में। अचानक से ना छोटे भाई के पैर में बहुत बुरी चोट लग जाती है, मतलब घुटने के पास, और ब्लड निकलने लगता है, वो रोने लगता है। उसका बड़ा भाई देख के परेशान हो जाता है और वो बड़ा भाई अपनी शर्ट उतार करके उसका क्लीन करके वाउंड अपनी शर्ट बांध देता है और पूछता है कि तू ठीक है ना, तू प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बहुत केयर करता है। और बोलता चल घर चलते हैं। तो ठीक है छोटा, बोलता है एक मिनट। और छोटा भाई एक शेल लेकर के पत्थर पे जाके ऐसा लगता है आज इस तारीख को मेरे भाई ने मेरी जान बचाई, मुझे प्यार किया, मुझे हेल्प किया, और वापस आने लगता है। बड़ा भाई बोलते ये क्या कर रहा है तू, कल तूने रेत पे लिख दिया, आज तूने पत्थर पे लिख दिया, क्या मतलब है इस बात का। छोटा भाई कहता है एक छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात कहता है कि रेत पे लिखा जो भी मैंने वो मिट जाएगा, बट जो पत्थर पे लिखा है ये जिंदगी भर रहेगा। What a message. Whenever something happens with you that is negative in life, you keep it in your mind temporarily. But whenever something good happens with you, you embark it, put it there for lifetime. Good message over here.